अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो जल्दी से कर दो यार, साथ में दिए गए बेल आइकन टिंग 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 को भी प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। Hey guys, welcome back to my channel and I'm Divyanshi Tanwar। आज मैं अपनी इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ एक डिटॉक्स वाटर की रेसिपी जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। पहले भी मैंने आपसे अपनी एक डिटॉक्स वाटर की रेसिपी शेयर की थी, अगर आपने वो वीडियो अभी तक चेकआउट नहीं की है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, प्लीज चेकआउट। यूं तो मेरे पास बहुत सारी रेसिपीज हैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए डिटॉक्स वाटर की, मैं आप लोगों के साथ वो सारी रेसिपीज फ्यूचर में ज़रूर शेयर करूंगी। आप इसी तरीके से मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए और इसी तरीके से देते रहिए अपना प्यार। चलिए अब बात करते हैं एलोवेरा डिटॉक्स वाटर की। तो ये आपको हेल्दी स्किन प्रोवाइड करने में हेल्प करता है, ग्लोइंग और स्पॉटलेस स्किन आपको प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लीन करने में हेल्प करता है एंड आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स को तो फ्लश आउट करने में हेल्प करता ही करता है। तो चलिए देख लेते हैं कि कैसे बनाना है ये डिटॉक्स वाटर। एलोवेरा जेल डिटॉक्स वाटर बनाने के लिए हमें चाहिए 5 to 6 तुलसी लीव्स, साथ में हमें चाहिए 1 to 2 स्पून ऑफ फ्रेश एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल जो होता है उसके अंदर होती हैं कूलिंग प्रॉपर्टीज़, होता है ये एंटी इन्फ्लामेटरी जो कि फाइट करता है एजिंग को एंड साथ ही साथ रिड्यूस करने में हेल्प करता है एक्ने को। तुलसी लीव्स जो होती हैं भरपूर होती हैं विटामिन सी और जिंक से और ये इम्यूनिटी को बूस्ट करने में भी हेल्प करती हैं। हमें दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स करना है, 1 to 2 आवर्स के लिए छोड़ देना है एंड देन उसके बाद हमें इसको लेना स्टार्ट करना है और ये बनकर तैयार है हमारा ग्लोइंग स्किन के लिए डिटॉक्स वाटर। तो या गाइस, अब बात कर लेते हैं कि इस डिटॉक्स वाटर को लेना कब और कैसे है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि इसको लेना है आपको वीक में 1 या 2 बार, उससे ज़्यादा बार आपको बिल्कुल नहीं लेना है इसको। और जब भी आप इसको लेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने इसको मंडे को लिया है तो आप इसको नेक्स्ट टाइम थर्सडे को ही ले सकते हैं। दैट मीन्स 2 to 3 days का इन बिटवीन गैप होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको गैप देकर ही इसको लेना है, इकट्ठे एवरी डेज को नहीं लेना है। ये मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, ये मैं आपको क्लियर कर रही हूँ कि आपको गैप दे के लेना है और वीक में 2 बार से ज़्यादा नहीं लेना है इस डिटॉक्स वाटर। बात आती है कि इसको कितनी देर के लिए हमें एज इट इज़ रखना है और कब कंज्यूम करना स्टार्ट करना है। आप इसको 1 to 2 hours तक रखेंगे एंड देन कंज्यूम करना स्टार्ट कर देंगे। मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर बताती हूँ। आपने इसको मॉर्निंग में 10 o'clock बनाया और 12 o'clock, 11:30 या फिर 12 o'clock तक आपने इसको लेना स्टार्ट कर दिया एंड देन उसको 4 o'clock से पहले या 5 o'clock, मैक्सिमम 5 o'clock से पहले फिनिश कर दिया। ये याद रखना गाइस कि जो डिटॉक्स वाटर होते हैं हमें इवनिंग से पहले पहले कंज्यूम करने होते हैं, हमें इवनिंग के बाद डिटॉक्स वाटर नहीं लेने चाहिए, प्रेफरेबली नहीं लेने चाहिए। ये थी मेरी आज की डिटॉक्स वाटर की रेसिपी। कैसी लगी आप लोगों को? और अगर आप इसको ट्राई करने वाले हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी मत भूलना और कैसी लगी ये रेसिपी ये भी ज़रूर बताना। मिलती हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल द टाइम टेक केयर, बाय बाय।